बीजेपी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाने वाली ममता के लिए ही शायद एक कहावत बनी है, पहले तौलो फिर बोलो। ममता शायद ये भूल गई कि हिंदुस्तान की आवाम आडंबर फैलाने वालों के चेहरे से नकाब उतारने में देरी नहीं करती। ममता के दोहरे रवैये की आज हम पोल खोलेंगे। जरा आप भी ध्यान से देखिए कि जब जब बीजेपी के किसी भी नेता नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ सीबीआई जांच हुई, तब किसी ने नहीं कहा कि केंद्र की सरकार जानबूझकर मोदी और शाह को परेशान कर रही है। लेकिन आज जब वही सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, तो दीदी की सांसें फूलती जा रही है। साल 2010 में क्या हुआ? 2010 में एहसान जाफरी केस में मोदी से पूछताछ हुई, मेरे खिलाफ लड़ाई में सीबीआई इस्तेमाल हुई। साल 2010 में क्या हुआ? 2010 में एसआईटी ने पीएम मोदी से 10 घंटे पूछताछ की। 2016 में ममता से पूछताछ हुई तो मोदी सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा। 2013 को याद करिए ममता जी, 2013 में नरेंद्र मोदी से इशरत जहां केस में सीबीआई ने पूछताछ की, ममता से पूछताछ हुई तो 2017 में सीबीआई को कॉन्स्पिरेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता दिया। 2013 को याद करिए ममता जी, 2013 में सीबीआई ने मोदी के मंत्रियों से पूछताछ की, 2017 में ममता के मंत्रियों से पूछताछ हुई तो सीबीआई पर मोदी का कंट्रोल होने का आरोप लगाया। दीदी 2010 भूल गई क्या? 2010 में सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह की गिरफ्तारी हुई, 2010 में ममता के खिलाफ जांच हुई तो सीबीआई को चूहा कहने लगी। दीदी 2010 भूल गई क्या? 2010 में साबरमती जेल में सीबीआई ने अमित शाह से पूछताछ की, 2018 में ममता ने राज्य में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। इन मामलों से एक बात तो साफ है, ममता दीदी अंदर से डरपोक हैं, जो जब भी मुसीबत में होती हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर हमला करने लगती हैं और अपने गुनाहों को ढकने के लिए केंद्र की सरकार पर सवाल उठाने लगती हैं। शारदा घोटाले में गरीबों और मध्यम वर्गों के लोगों का करोड़ों रुपया गटक लिया गया, लेकिन वोट लेने के लिए सिंगूर और नंदीग्राम में गरीबों की नेता बनने वाली दीदी वोट लेकर घोटालेबाजों की गोद में बैठ गए। साथियों, इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया, उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद, धमकियों के बावजूद भारी संख्या में किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी, हमारी माताएं बहने और हमारे नौजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े। भाइयों, बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद
पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई, अपने इस साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहां के हर मतदाता को, यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़े से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? गांव गांव में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? हर पोलिंग बूथ में दोगे? भाइयों बहनों, मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले हैं। ये पहले और दूसरे चरण में मैं देख चुका हूं। भाइयों, साथियों, जिस तरह बुआ भतीजा मिलकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहां की पहचान को, यहां के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। दीदी अपनी पार्टी में जगाई मथाई की भारी भर्ती कर रही है, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली की केंद्र सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया। अरे बगल में त्रिपुरा ने भी भाजपा की सरकार बनते ही सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन ये दीदी, गरीबों की बातें करने वाली दीदी, यहां के सरकार के कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग भी लागू नहीं करती है। बताइए भाइयों और बहनों, हद देखिए, कहती है कि पश्चिम बंगाल का ये मॉडल वो पूरे देश में लागू करना चाहती है। अरे जहां टोलाबाजी टैक्स के बगैर जीवन नहीं चलता, जहां गरीबों को गरीब रखने का षड्यंत्र होता है, जहां गरीब की कमाई को
टीएमसी के नेता लूट लेते हैं, जहां पर पूजा तक करना मुश्किल होता है, यात्राएं निकालना मुश्किल होता है।